लड़का तब चौथी कक्षा में पढ़ता था। इतिहास की क्लास चल रही थी। टीचर बोल रही थी कि बस बोल रही थी, ज्ञानवर्धक अच्छी अच्छी बातें, कम अज कम कयास तो यही लगाया जा सकता है। सहसा उस पर नजर पड़ी कि झपट में अकबर के पिता का नाम बतलाओ। मुझे नहीं मालूम, उसने कहा। क्यों नहीं मालूम? जो मैं कह रही थी सुन नहीं रहे थे? नहीं। क्यों नहीं? टीचर का पारा आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ रहा था, हालांकि उसे अपने संयत स्वभाव पर खासा गर्व था। मैं सोच रहा था, जवाब ने उसे कुछ और चढ़ाया। वाकई? किस बारे में सोच रहे थे? बारे में नहीं, बस सोच रहा था। वाह, हम भी जाने क्या सोच रहे थे। वह पता होता तो मैं सोचना बंद ना कर देता। गहरे सोच में डूबे उसने कहा। टीचर का दिमागी थर्मामीटर टूटने की कगार पर पहुंच गया, फिर भी खुद पर काबू रखा। वह नहीं चाहती थी उसका रक्तचाप और बढ़े। पहले लापरवाही, ऊपर से बदतमीजी, सख पर मध्यम स्वर में उसने कहा, चलो प्रिंसिपल के पास। प्रिंसिपल अजब उलझन में पड़ गया। सोचना शुरू किया तो सोच का दायरा बढ़ता चला गया। क्या सोचना गलत था? सही क्या था और क्या गलत? ज्यादा महत्वपूर्ण क्या था, सोच विचार करके सत्य की पड़ताल करना या तथ्यों की सूची का बखान सुनना? उस दौरान टीचर उसके खिलाफ शिकायतों की एक लंबी फहरिस्त गिनाती रही, बार बार इस जुमले को दोहरा कर। हालांकि अपने लंबे शिक्षण काल में उसने अपने गुस्से पर काबू रखना काफी अच्छी तरह सीख लिया था, पर हर चीज की एक हद हद पार कर लेने पर भी किसी को उसके किए की सजा ना मिले तो फिर कोई हद बाकी नहीं। भाषा और मुहावरे पर उसकी पकड़ उस्तादों वाली थी। आखिर थी जो उस्ताद, वह भी इतिहास की। काफी देर बोल लेने के बाद उसने पूछा, तो आपका क्या निर्णय है? सॉरी, प्रिंसिपल ने कहा, आपने क्या कहा? मैंने सुना नहीं। मैंने पूछा, आपका क्या निर्णय है? वह नहीं, उससे पहले आपने जो कहा मैं सुन नहीं पाया। कुछ नहीं। कैसे, क्यों? टीचर अकबका, मैं सोच रहा था। क्या सोच रहे थे? वह पता होता तो मैं सोचना बंद ना कर देता, उसने कहना शुरू किया, फिर संभल कर रुक गया। क्या वह भ्रष्ट हो रहा था? जो था उससे अलग होने के लिए उसकी उम्र शायद ज्यादा हो चुकी थी। उसने लड़के को कड़ी चेतावनी दी, स्कूल के नियम कायदों के मुताबिक रहना सीखो, दोबारा ऐसी गुस्ताखी की तो स्कूल से निकाला भी जा सकता था। अगले दिन प्रिंसिपल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा मांगा नहीं गया था, उसने खुद ब खुद निर्णय ले लिया। लड़का अपनी गति से चलता रहा और आखिर 10वीं कक्षा का इम्तहान पास कर गया। उतने ऊंचे अंकों से नहीं जितने कि उसके माता पिता को उम्मीद थी, पर जितने उसकी टीचर के अनुसार आने चाहिए थे उनसे कहीं ज्यादा लेकर। उसकी माँ इम्तहान से 2 महीने पहले उसे पीलिया हो जाने को कम अंकों के लिए जिम्मेदार ठहरा रही थी, तो क्लास टीचर बीमारी के बावजूद उतने अंक पाने के लिए उसकी बेपनाह बदतमीज। जो हो, वह 10वीं के बोर्ड इम्तहान के साथ जूनियर साइंस कॉलेज छात्रवृत्ति के लिखित पर्चे में भी पास हो गए। अगले दिन साक्षात्कार या मौखिक इम्तहान हो रहा था कि अचानक उसे जोरों का बुखार चढ़ गया। कोई बात नहीं, माँ ने सोचा, आधुनिक चिकित्सा, जिंदाबाद।
एक ही दिन में एंटीबायोटिक का चमत्कार बुखार नीचे ले आएगा, अगले सुबह वाली इम्तिहान दे लेगा। साक्षात्कार के लिए स्त्री की हुई साफ सुथरी कमीज और पैंट अलमारी में टंगी थी। बस जूते गंदे थे, बहुत नहीं पर पॉलिश की चमक से महरूम, साक्षात्कार के लायक कदापि नहीं। शाम घिर आई, बुखार तब भी काफी तेज बना रहा, जूते पॉलिश नहीं हो पा। क्यों ना जूतों को मोची के पास भेजकर पॉलिश करवाएं? माँ ने सुझाव रखा, इतने तेज बुखार में तुम नहीं कर पाओगे, है ना? नहीं, उसने कहा, मैं खुद करूँगा। कब? जवाब नहीं आया। सुबह बहुत जल्दी घर से निकलनी, बुखार की बात छोड़ो, ना भी होता तो सुबह जूते पॉलिश करने का वक्त नहीं होता तुम्हारे पास। जवाब फिर भी नदारद रहा। आंखें मुदी देख माँ ने सोचा शायद नींद आ गई। बुखार उतारने के लिए आराम करना बल्कि सो रहना निहायत जरूरी था, सो उसे सोने दिया। पर जूते, बे पॉलिश जूते सिर पर सवार थे। बमुश्किल एक घंटा अधैर्य पर काबू रखा, फिर हथियार डाल दिए, जूते लेकर बैठ गई। वैसे भी जूते पॉलिश करने के अपने कौशल पर उसे काफ़ी नाज था। हमेशा की तरह जूते पॉलिश करने में बहुत मज़ा आया। कैसे उन्होंने उसके हाथों के इशारों पर नई जिंदगी पाई। एक पल वे सड़क के वलीज बच्चों की तरह दिख रहे थे तो दूसरे पल पब्लिक स्कूल के चमचमाते छात्रों की मानो। वाह, अपने चेहरे और प्यार भरे दिल की हूबहू प्रतिछाया देखने के लिए पॉलिश किए जूतों से उम्दा आरसी नहीं मिले। हाथ कंगन को आरसी क्या, वाजिब है, पर दिल तो हम हाथ में लिए घूमते नहीं। उसे चाहिए एक जोड़ी पॉलिश किए जूते, उसे अपने पर गर्व हुआ। बड़ी अजीजी से चमचमाते जूते उसके बिस्तर के बराबर रख दिए। आँख खुलते ही उन पर नजर पड़ी। अल सुबह बुखार चमचा था तेज, पर चारा क्या था, संभाल लेगा। उसके लिए नाश्ता तैयार था, मेज पर रख बेटे को बुलाने उसके कमरे में गई। देखा वह हाथ में जूता पकड़े फर्श पर बैठा। मैंने कल रात पॉलिश कर रहे थे, उसने सगर्व कहा। मालूम है उसने कहा और ब्रश उठा लिया। तब जाकर उसकी नजर जूतों पर गई, जहां तहां मिट्टी लसड़ी थी, पर कैसे। पर मनोयोग से जूतों पर ब्रश मारता रहा, फिर पास रखा कपड़ा उठा उन्हें चमकाने लगा। पर जूते मैंने पॉलिश, उसने निरर्थक संवाद बोला। तभी मुझे बगीचे से मिट्टी लाकर उन पर डालनी पड़ी, मेरे जूते मेरे सिवा कोई पॉलिश नहीं करता। उसका चेहरा जूतों की तरह चमक रहा। लड़का अब 20 बरस का हो चुका था, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में काम कर रहा। तभी वहाँ 20वीं सदी का मशहूर जलजला आया। माँ को आ चुकने पर पता चला, टीवी की मार पर देखा सुना और महसूस किया। एक बार नहीं, बार बार वे गोल्डन गेट के पास धसकी जमीन में गिरी मोटा बार बार दिखला रहे। बार बार देखने पर लगता है एक नहीं अनेक हादसे घट लिए, बशर्ते आपका उनसे निजी सरोकार। हादसा तभी हादसा बनता है ना जब किसी को कोई फर्क पड़े। 36 घंटे अकेले हादसे महसूसते गुजरे, तमाम फोन लाइनें बंद थी, किसी और रास्ते खबर मिलनी मुमकिन है, उससे बात हो पाने का तो सवाल ही नहीं। 36 घंटे बीत जाने पर आखिर फोन लगा, प्याला टूट गया। उसने कहा, तुम्हारे सब दोस्त दफ्तर में सहयोगी सब ठीक हैं? प्याला टूट गया। उसने फिर कहा, किस प्याले की बात कर रहा था वह, कोई कप होगा, जीत में मिला होगा, पर उसकी परवाह कब से होने लगी उसे, क्या बहुत कीमती था? खासा बेवकूफ महसूस करते हुए उसने पूछा। नहीं,
खाली मेज के बीचों बीच रखा था, फिर भी टूट गया। तुमने टूट पे देखा? हाँ, मैंने तभी मेज के बीचों बीच रखा था। मेज बिल्कुल खाली थी, तुम समझ रही हो ना? मेज पर और कुछ नहीं था, फिर भी वह टूट गया। टकराए बिना गिरकर? वही तो, समझी? जल जला बहुत बुरा था। बुरा नहीं, बड़ा था। शुक्रिया दोस्तों। देखिए कितनी खूबसूरत कहानी है। बीच में आपको लगता है कि शायद उसको अटेंशन डिफिशियंसी है, शायद कुछ और है, लेकिन ये प्यार के बल पर आला उमदा कप जीतता हुआ वह पहुँच जाता है। और कितनी खुशनुमा कहानी है, एक प्रकार से माँ बेटे के प्यार। सुनने के लिए मेरा पाठ धन्यवाद। मृदुला जी यूँ ही, मृदुला गर्ग जी यूँ ही मेरी प्रिय लेखिका रही।